हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब। आज के इस वीडियो में हम एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे। आज का स्ट्रक्चर उर्दू के उन तमाम सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं जिसमें हमें कहना होता है कि हम किसी चीज़, शख्स या काम को करने से बेजार हैं, तंग हैं या उकता गए हैं। तो ये तमाम स्ट्रक्चर एक दूसरे के सिनोनिम से और एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। इनमें से हम किसी एक को डिटेल में आज सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर बी वर्ब का इस्तेमाल होता है यानी एम, इज, आर। इसके बाद फिर हम पेड अप विद का इस्तेमाल करते हैं। पेड अप विद को आप दूसरे जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं उनसे आप रिप्लेस कर सकते हो, यानी सिक अप से या सिक एम टायर्ड अप से, टायर्ड अप से या बोर्ड विद से आप रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद फिर हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। सो लेट्स बिगिन। मैं अपने काम से बेजार हूँ। आई एम फेड अप विद माई जॉब। आई एम फेड अप विद माई जॉब। हम अपने मुल्क में महंगाई से बेजार हैं। वी आर फेड अप विद इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। वी आर फेड अप विद इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। आप अपने कारोबार से बेजार हैं। यू आर फेड अप विद योर बिजनेस। यू आर फेड अप विद योर बिजनेस। वो अपनी ज़िंदगी से बेजार है। ही इज़ फेड अप विद हिज लाइफ। He is fed up with his life. वो कॉलेज जाने से तंग है। She is fed up with going to college. She is fed up with going to college. हम रोज़ाना एक ही काम को करने से तंग है। We are so fed up with doing the same job day after day. We are so fed up with doing the same job day after day. वो सब्जियाँ खाने से तंग है। They are fed up with eating vegetables. They are fed up with eating vegetables. मेरे अब्बू मेरी बुरी आदतों से तंग है। My father is fed up with my bad habits. My father is fed up with my bad habits. Positive sentences का तरीका तो हमने सीख लिया। आइए अब interrogative sentences को सीखते हैं। क्या आप मुझसे बेजार हैं? Are you fed up with me? Are you fed up with me? क्या वो यहाँ काम करने से बेजार हैं? Are they fed up with working here? Are they fed up with working here? क्या हम महंगाई से बेजार हैं? Are we fed up with inflation? Are we fed up with inflation? क्या वो कराची में रहने से बेजार है? Is he fed up with living in Karachi? Is he fed up with living in Karachi? क्या वो दो काम करने से बेजार है? Is she fed up with doing two jobs? Is she fed up with doing two jobs? तो आइए अब इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन सीखते हैं। आप क्या करने से बेजार हो? What are you fed up with doing? What are you fed up with doing? वो क्या खाने से बेजार है? What is he fed up with eating? What is he fed up with eating? वो क्यों खेलने से बेजार हैं? Why are they fed up with playing? Why are they fed up with playing? आप क्यों अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं? Why are you fed up with your life? Why are you fed up with your life? कौन उससे बेजार है? Who is fed up with him? अगर आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो Who is fed up with her? कौन हालात हाजरा से बेजार है? Who is fed up with current affairs? Who is fed up with current affairs? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मैं आखिर में आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप क्या करने से बेजार हो? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।